लेफ्ट पार्टी का व्यू, उसके बाद डिबेट ओपन हो जाएगी, जनता की तरफ से भी बातचीत होने लगेगी। मैं आ रहा हूँ, अरे आ रहे हैं, हंसी मैं दादा एक दड़ा भालो तो हंसे हाँ तो हंसी हम हंसी हाँ दादा बोलो। सबका साथ सबका विकास की बात की जाती है, मैं कहना चाहता हूँ आज रसोई गैस का सिलेंडर का दाम कितना हो चुका है, पेट्रोल डीजल का दाम कहाँ है, महंगाई कहाँ है, किस मुद्दे पर 2014 में शासन सत्ता में मोदी जी आए थे। यह विकास सबका विकास नहीं, जैसा अमित शाह का विकास हुआ है, गरीब जनता मर रही है, लोग बोल रहे हैं आज मामाठी मानुष की सरकार बोल रही है रोजगार देंगे 2 लाख बेकार नौजवानों को रोजगार, मोदी जी भी बोले थे 2 करोड़ बेकार नौजवानों को रोजगार। हम जो नौजवान है बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, रोजगार कहाँ है, एक तरफ बोला जा रहा है जय श्री राम का नारा मैं भी दे रहा हूँ, लेकिन जय श्री राम और जय बंगला की जगह पर हम जो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो नौजवान फेडरेशन करते हैं, हम कहना चाहते हैं कहाँ है मेरा काम, कहाँ है मेरा काम। आज की जो चुनावी जो दंगल हो रही है, आज का मुद्दा होना चाहिए रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, इसके ऊपर लड़ाई होनी चाहिए, धर्म के नाम पर नहीं। देखिए एक बात, देखिए कोई भी पार्टी बोले और सबका इज्जत सबका एहतराम होना चाहिए, और बिल्कुल बहुत आराम से, और यही बंगाल की कल्चर है, जब आप बोलते हैं कोई भी बोलता है तो हम सब सुनते हैं। और इन्होंने कहा, और ये क्या बात, खूब बहुत अच्छी बात कही दादा आपने कि रोजगार के मुद्दे पे बातचीत हो, जरूर हो रोजगार के, और क्यों ना रोजगार के मुद्दे पे बातचीत हो, होनी चाहिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ जी। मैं आ रहा हूँ, ऑफकोर्स आई विल कम टू यू, दादा हाँ आप आराम से बोलिए ना। ये केरला और केरला में ये दुश्मन है और बंगाल के दोस्त, ऐसा दोस्ती तो कहीं और देखने को मिलती नहीं है। और ये कांग्रेस असम में यूडीएफ, बंगाल में आईएसएफ और केरला में पीएफआई, ये है इनका कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म। दीदी के साथ तो थे बीजेपी वाला, दीदी के तो साथ थे बंगाल में, कितना विकास किया है। आया जी। दीदी का विकास यहाँ पे टेम्पररी होमगार्ड बोल के एक से रखा गया है, लोग टीएमसी की तरफ से, उनका 14,000 सैलरी था, 6 महीना के लिए बोल के रखा गया था, 1.5 साल रखा गया, उनका अभी सैलरी 16,000 हो गया। और आज से 6 साल पहले से एक सीपीबीएफ सिविल वॉलेंटियर बोल के रखा गया था, उन लोग का 3,400 सैलरी था, अभी फाइनली 9,000 सैलरी है, तो ऐसा भेदभाव क्यों, समान दाम समान काम होना चाहिए, वो भी उतना ही घंटा 8 घंटा ड्यूटी करता है, वो भी उतना ही 8 घंटा ड्यूटी करता है, सैलरी इतना। ये बात हमारे ओम प्रकाश भैया उठाए थे डूमुर ज्वाला का प्रोग्राम में। अच्छा ओम प्रकाश भैया उठाए, समझ गए हम तुम ओम प्रकाश भैया, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा है, तो आगे आ जाइए, बहुत अच्छे वालों को तो ढूंढ रहे हैं हम आजकल, हम बहुत अच्छे वालों को ढूंढ रहे हैं और सबको ले जाएंगे उधर ही अपने साथ रखेंगे, बहुत अच्छे वाले नहीं मिलते ना आजकल, बहुत मुश्किल से मिलते हैं पाजी, ये बहुत अच्छे वाले बहुत मुश्किल से मिलते हैं, मिलता ही नहीं है, दिखने में तो माशाल्लाह भगवान ऐसे ही रखे इनको। कितना वजन हो गया आपका? पूरा 100 है। आगे आ जाइए, आगे और आगे आइए, आगे थोड़ा आगे आइए, पूरा वजन दिखे तो, हाँ 100 किलो है जी, तो कुछ कम करने की उम्मीद, मतलब कैसे किया जा सकता है, क्यों जो आप खाते हैं वो भी हम भी खाते हैं, हम क्या दूसरा चीज थोड़ी खाते हैं। आप कैसा खाने का रूटीन बताइए, कैसा है, कैसा रहता है रूटीन? 10 बजे दिन में रात, सुबह क्या बजे उठते हैं? सुबह तो हम 5 बजे ही उठ जाते हैं। अच्छा फिर उसके बाद उठ के क्या करते हैं? अपना शारीरिक क्रिया खत्म करने के बाद थोड़ा मॉर्निंग वॉक भी करते हैं, उसके बाद अपना दुकान है, बगल में ही दुकान है यहाँ पर, काहे की नाश्ता की दुकान है, चाय नाश्ता की, नाश्ता की दुकान से तो कुछ खाते नहीं, सिंघाड़ा नहीं, नहीं सिंघाड़ा की दुकान, डॉक्टर बारन का दिया कि नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाना है आपको, दूसरे को खिलाइए आप मत खाइए, मत खाइए, जीना है तो, हाँ जीना है तो, और थोड़ा सा रात में खाना बंद कर दीजिए, रात में तो 4 रोटी खाते हैं, 4 रोटी ना खाइए, सब्जी खाइए और ये सब खाइए, ये रोटी वोटी बंद कर दीजिए, ठीक है ठीक है। 7 बजे से पहले प्रोग्राम बहुत हम देखते हैं आपको, भैया जी भैया सब जगह फोन करके बोल दिए कि भैया जी का प्रोग्राम बंगोबासी में हो रहा है, आप लोग को देखना है, बिल्कुल भैया जी आपको यूपी में भी देखे हैं, हर जगह जहाँ बिहार में भी प्रोग्राम होता है हर जगह हम देखते हैं, जगह ऐसा है आपका प्रोग्राम बहुत हमको अच्छा लगता है, हम चाहते हैं अभी दुकान छोड़ के हम आए हैं आपको प्रोग्राम देखने, देखिए हम चाहते हैं आपकी 100 दुकानें हो पूरे देश भर में, हम चाहते हैं कि 100 साल आप हमारा प्रोग्राम देखें, जब हम कहते हैं 100 साल तो हम ही करेंगे, तो 100 साल मैं अपना लड़का को दुकान पर बैठा के आपको प्रोग्राम देखने के लिए आया,
नहीं नहीं कुछ लोग परेशान हो गए होंगे, जैसे हमने कहा कि 100 साल हम करेंगे प्रोग्राम तो कुछ लोग परेशान हो गए होंगे। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की उधर कुछ परेशान हो जाते हैं लोग, तो 100 साल आप प्रोग्राम देखिए हमारा, मैं ये चाहता हूँ इसके लिए वजन जो है 100 से 5 साल से पहले 60 किलो 70 किलो करिए और 10 किलो कम करके करिए, इसको हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे भैया जी प्रोग्राम करने गए इलेक्शन का कि वेट कम वजन कैसे कम किया जाए, ये बताने आए हैं। देखो भाई प्रोग्राम हमारा ऐसा ही है, सबसे मिलजुल के चलता है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम पंकज शर्मा है सर। पंकज शर्मा, क्या इस बार होगा चुनाव में? इस बार जय श्री राम होगा। क्या होगा? जय श्री राम। क्या होगा? जय श्री राम। अरे तो इस बार वोट पड़ेगा कि जय श्री राम होगा? वोट देने का मतलब जय श्री राम है सर। पाजी मैं आ गया, मैं आ गया। कहाँ? बंगाल में। बंगाल में तो हम भी हैं, इसे तो सोच रहे थे बंगाल तो हम भी जाने बंगाल में। क्या होगा इस बार? इस बार खेला होगा जो बोलता खेला। बाजी हंसने लगे, बाजी हंसने लगे, बोले कि सिर्फ कनॉट प्लेस में ही थोड़ी ना शाम होती है, शाम हावड़ा में भी होती है और जमकर शाम होती है। मैंने खेला तो तुम करोगे ही, मुझे तो समझ में आ गया, खड़े नहीं हो पा रहे हो, खेला करोगे, सहारा लिया उसका और खेला करेंगे ये। खड़ा हो अपना हाथ वहां से, खड़ा हो कायदे से। हाँ हाँ ये देखिए हिलने लगे, खेला करेंगे ये जी। ना 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 एक मिनट, आवाज नहीं आएगी तो मैं शो नहीं कर पाऊंगा। नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो फिर मैं आवाज नहीं आएगी तो मैं सुन नहीं पाऊंगा। चुप रहिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास आऊंगा। जी बोलिए भैया। पहले जय श्री राम, पहले जय श्री राम। अच्छा अच्छे दिन दिखा के महंगे दिन आ गया है। अच्छे दिन दिखा के महंगे दिन आ गए हैं, जय श्री राम। ओम प्रकाश जी वही आप ही के लिए इशारा करके गए हैं। देखिए तृणमूलियों से हमें कोई उम्मीद नहीं है, इस जगह के जहां हम लोग खड़े हैं काउंसिलर तृणमूल, एमएलए तृणमूल, एमपी तृणमूल, मंत्री तृणमूल, मुख्यमंत्री तृणमूल और अच्छे दिन लाएंगे मोदी जी, कौन सा तर्क है? जहाँ चुनाव और किस चीज का अच्छे दिन, पाकिस्तान में ढुक के मारा अच्छे दिन, 1970 में भारत निमोनिया का टीका लाता था, आज 20 देशों को कोरोना सप्लाई कर रहा है, ये अच्छे दिन। पाकिस्तान में देश को दुश्मनों को ढुक के मारा, ये अच्छे दिन। जिन्हें नहीं दिखता हो कि पूरी दुनिया में भारत का जयकार हो, वो अच्छे दिन। और देखिए जय श्री राम वर्षों पुराना मामला, आराध्य राम हमारे हृदय में बसते हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों की इच्छा थी, उस समस्या को भी निपटाया और भव्य मंदिर बनाया, तो जय श्री राम तो रहेगा। सर देखिए इनके लिए जय श्री राम है, हमारे लिए जय सिया राम है।